हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ सिन्हा और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं? हमारे पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जलीय क्षेत्र हैं उसे जलमंडल कहते हैं। सबसे पहले जलमंडल पढ़ने से पहले हम लोग अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ना होगा। पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा जाता है उसको कहते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा को हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दक्षिणी भाग को कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। अब देखिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जल की मात्रा है 60% और स्थल की मात्रा है 40%, और साउथ हेमिस्फीयर में जल की मात्रा है 80% और स्थल की मात्रा है 20%। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पूरे पृथ्वी पर 71% जल और 29% अस्थल है, ठीक है? तो देखिए, हमारा जलीय गोलार्ध कौन सा हो गया? तो जलीय गोलार्ध हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा कितनी है? 80%। और स्थलीय गोलार्ध कौन सा हो गया? तो उत्तरी गोलार्ध। क्यों हो गया? तो क्योंकि यहाँ पे स्थल की मात्रा है 40%। अब चलिए जल विभाजन पढ़ते हैं। जल विभाजन, जल का विभाजन बेसिकली दो प्रकार से होता है। पहला लवणयुक्त जल और दूसरा मीठे पानी का जल। पहला जो लवणयुक्त जल होता है, जैसे खारा जल, उसे क्या कहते हैं? लवणयुक्त जल। और ये कितने प्रतिशत होता है? तो 97.5%। और दूसरा जो है मीठा जल, यानी पीने योग्य जल, और ये कितने प्रतिशत होता है? तो 2.5%। अब देखिए, लवणयुक्त जल के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। तो NaCl, यानी वैसा जो कंपाउंड होगा जिसमें NaCl और MgCl होगा, वो जल कौन सा होगा? तो लवणयुक्त जल होगा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिनिटी वाटर। अब चलिए, लवणयुक्त जल का उदाहरण देखिए, सागर, महासागर, झील, इन सभी चीज़ों में क्या मिलेगा हमको? तो लवणयुक्त जल। और मीठा पानी का जल कहाँ मिलेगा? तो हिमनद यानी ग्लेशियर में, नदी में, झीलों में, बर्फ में, वर्षा के जल में, इन सभी जल में हमें क्या मिलेगा? था मीठे पानी का जल। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।